6 rupees premium. This is 6 mein se 5 rupees we are getting at allotment and 1 rupee at application. Let's begin. देखो अमितोष सी द बोर्ड क्लियर है बाइफर्केशन इज क्लियर नाउ सी हाउ मेनी एप्लीकेशंस वी आर रिसीविंग 2,50,000 केसेस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन 10,000 को सुबह भी बताया था लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब क्या है हमने उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किया सो 10,000 को नील अलॉटमेंट बाकी जो बचा गया था उस पर प्रोराटा लगाना बाकी बचा 240 वालों को 2 लाख मिले अब मास्क पहन के बैठा करो मैम ऑब्जेक्ट करते हैं 2,40,000 अप्लाइड है और हम लोगों ने उन्हें 2 लाख शेयर्स क्या करे हैं अलॉट किए हैं ठीक है The company received all the money due on allotment except चलो जी मिस्टर अगम की बात करते हैं Who has been allotted 1,000 shares? पहले इसके applied निकलवाओ How I will calculate Agam's applied share? क्या proportion है 24:20 का 6:5 का 6:5 का proportion है 4 के table पे cancel हुआ 6 divided by 5 into what 1,000. So he has applied for 1,200 shares. अगम ने कितने apply करे थे? 1,200. जैसे उसने 1,200 के लिए apply किया, he paid 3,600. He should pay 3,000. 600 is excess with me. देखिए अगम क्या नहीं pay कर रहा? See what अगम is not paying. You have to read the statement, भाई. Everything तो I can't tell you. Allotment नहीं पे करी अलॉटमेंट ड्यू करवाई है अगम की 7,000 उस 7,000 में से 600 ऑलरेडी मेरे पास है कितना नहीं पे किया उसने 6,400 सो अलॉटमेंट को कॉज इन एरियर 6,400 आएगा जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो उसमें से 6,400 माइनस कर देंगे क्या अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर है चलिए जी फिर अलॉटमेंट तक और फोर फीचर तक तो करें पहली 5 एंट्रीज करें फर्स्ट एंट्री हु विल स्पीक डन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 2,00,000 × 3 6,00,000 ठीक है ये मैं नहीं लिखूंगी मैं एडजस्टमेंट वाली एंट्री लिखूंगी चलिए जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड ओके एप्लीकेशन हमें आई है 250 की 250 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 750 आना डन चलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर टू बैंक पहले शेयर अलॉटमेंट कर लो टू बैंक बैंक 10,000 वालों को लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा है 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30,000 वापस 750, 2,50,000, नहीं 2,00,000 × 2, 4,00,000, this is 1,00,000, 5,30,000 बना, देखो रिफंड कितना है, रिफंड 30,000 ही है ना, हाँ जी यहाँ तक कितना बना, कहाँ पे 2,00,000 आएगा कहां पे 2,00,000 आएगा एसपीआर कितना रुपए से
ओके डन, 2 लाख इंटू 1, ठीक है जी, 6,30,000 हो गया, बाकी रह गया 120 अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करो, ठीक है जी। चले आगे, अलॉटमेंट ड्यू करवाओ, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 2 लाख को 7 से मल्टीप्लाई 14 लाख। अब की बार प्रीमियम ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, ठीक है जी, करवाइए 2 लाख इंटू 2 4 लाख, 2 लाख इंटू 5 10। अब मेरे को मिलना चाहिए था 14 लाख, 1,20 ऑलरेडी मिल चुका है, 1.20 लाख माइनस किया 1,280, 1,280, ठीक है, एक्सेस एडजस्ट करने के बाद अगम ने 6,400 नहीं पे किया, माइनस करो 0,06,9,37, 12,73,600 है, एनी डाउट टू एनीवन? तो एंट्रीज डन, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट 12,73,600। चलिए जी, फोर फीचर की एंट्री करते हैं, बोलो जी, शेयर कैपिटल डेबिटेड, एसपीआर डेबिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट। चलो शेयर कैपिटल कितने शेयर्स, 1,000, कितना मंगवाया, दो ये 4,000, कितना प्रीमियम 5, कितने शेयर्स के ऊपर 1,000 शेयर्स के ऊपर 5,000, अलॉटमेंट कितना नहीं पे किया, देखो 2,500 है, ये 6,400 है, फिर 2,600, कोई मेरे को बताएगा 2,600 कैसे आया, सुबह फॉर्मूला बता के गई हूं, इसने कितने के लिए अप्लाई किया था, अगर हमने 1200 के लिए, 1200 के ऊपर 3600 ये पे कर चुका है, माइनस प्रीमियम ऑन अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स आर 1,000 इनटू व्हाट 1, दैट्स व्हाई 2,600, ठीक है, वी डोंट टेक द ग्रॉस अमाउंट, वी अप्लाई अ फॉर्मूला व्हिच ही हैज ऑलरेडी पेड, ठीक, आगे चलो, आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड, कितने शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल होगी, कितने शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल मंगवाई जाएगी, 1,99,000 शेयर्स पे मंगवाएंगे, कितने रुपीस के हिसाब से, 6 रुपीस के हिसाब से आप एंट्री कर लोगे, कितने शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सीमा ने फर्स्ट कॉल नहीं दी ना बेटे, पढ़ो फिर, आपने खुद पढ़नी पेपर में स्टेटमेंट, सीमा के पास कितने शेयर्स हैं, 2,000 के ऊपर 6 के हिसाब से 12,000 नहीं मिलेगा, मिलना कितना चाहिए था, 199 इंटू 6 11,94,000 मिलना चाहिए था फर्स्ट कॉल का, कितना नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 12,000 नहीं मिला, देखो 1182 से है एंट्री, डन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने से, 11,82,000 से, सीमा के शेयर कब फॉरफिट हुए, बिल्कुल ठीक है, उसने फाइनल कॉल भी मंगवाई है, फाइनल कॉल कितनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है, बस ठीक है, यहां तक ही है, चलो जी सीमा के शेयर फॉरफिट करवाओ, सीमा के शेयर फॉरफिट करवाओ, शेयर कैपिटल डेबिटेड, सीमा ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, एसपीआर नहीं है, एसपीआर इज नॉट देयर, so it is not going to be debited in the entry, two share first and final call, mere ko sabse pehle ye fill karwao, ab ki baar ye fill karwao, share forfeited mein kya aata hai, what she has paid, face value 2 rupaye 3 rupaye mere hisab se 5 rupaye pay karo, nahi bolo 4 rupaye, sorry 4 रुपए पे करें, कितने शेयर्स के ऊपर, सीमा के कितने शेयर्स हैं, यहां पे तो फॉर्मूला नहीं लगा ना, यहां पे वो प्रीमियम वाला फॉर्मूला नहीं लगा, वो आमतौर पे एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम हो तो ही लगता है, अदरवाइज नहीं लगता, चलो जी फर्स्ट कॉल कितने की, 12,000 की नहीं पे करी, कितने शेयर्स हैं, कितने मंगवाए, 2 + 2 4 एंड
मैच नहीं किया कहां पे? बिल्कुल ठीक है, 8000 आना है, 2000 इंटू 4 8000। तो ये हम पहले भी अगर फिल करें तो भी हमारा निकल जाता है, क्योंकि यहां पे हमारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगम के शेयर थे 1000, सीमा के शेयर थे 2000, मेरे पास कुल फोरफिटेड शेयर 3000 है, एम राइट? सारे शेयर रीशू हो रहे हैं क्या? नहीं, हर शेयर्स वर आल्सो फोरफिटेड, 50% ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अगम एंड सीमा। अगम में फोरफिचर का कितना पैसा पड़ा? अगम में फोरफिचर का कितना डेबिट गया था? कितना ऊंचा बोलो, 2600। सीमा का फोरफिचर का कितना है? दोनों के 50-50% रीइश्यू करने हैं, इट मींस कि अगम का मैं 1300 यूज करूंगी और सीमा का मैं 4000 यूज करूंगी, मींस मैं ओवरऑल 5300 यूज कर सकती हूं। अगम के 500 शेयर रीइश्यू होंगे, सीमा के 1000 शेयर्स रीइश्यू होंगे, कुल मिलाकर 3000 में से 1500 शेयर रीइश्यू होंगे, एम आई राइट? उसने लिखा है 50% ईच। जैसे ही मैंने रीइश्यू किया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान बन गया, डिस्काउंट दिया ही नहीं, 16 रुपए में एक शेयर गया, मींस प्रीमियम पे गया, फुली पेड, करवाओ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिट डेबिट नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट नहीं है, टू शेयर कैपिटल, टू SPR, डन। कितने शेयर? 1500 इंटू 16, करवाओ मल्टीप्लाई, 0088, बिल्कुल ठीक है, 24000। मिलना कितना चाहिए था? 1500 इंटू 10, 15000। कितना प्रीमियम? 9000। उठाओ ये पूरा 5300 और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। आपके पास फोरफिचर का है कितना? 10600। 10600 में से 5300 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, अभी भी 5300 बैलेंस शीट में फोरफिटेड ऐड करोगे इन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। व्हाई? बिकॉज़ होल ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड आर नॉट रीइश्यूड। ठीक है, सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। नाउ वी हैव द लास्ट पेज, दो इट इज द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, बट इट इज एज इंपॉर्टेंट एज ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। सो मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर एंड that are theoretical concepts basically, and we are going to read that, right? Preferential allotment, preference word se bana hai, preferential allotment. These are those shares which are not being issued to the public or to the general public, rather these are to be issued to a preferred group of persons. That preferred group of persons can be my directors, can be my regular customers, can be my banker even. मींस कंपनी के डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं हम कुछ गिने चुने बंदों को ही अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे, और ऐसा इसलिए आमतौर पे किया जाता है, जर्नल पब्लिक को जब इशू किए जाते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वेट करनी पड़ती है, सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप अपने कुछ जान पहचान वाले बंदों को शेयर देते हो तो हमें श्योरिटी हो जाती है कि वो तो पक्का खरीदेंगे, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन आर कंपनी, दे हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद आर कंपनी। So whenever you need the money, but in short notice, and you are not in a position to spend a lot on public issue, then you go with this preferential allotment. देखो जो मैंने बोला है वो लिखा है। Allotment of shares at a predetermined price. दो चीजें predetermined हैं। One is predetermined price at a to a pre-identified people. Who are pre-identified people? Who are in your good touch? Who are in good relationship with your company, and who are or who may be those persons? अभी मैंने बोला your bankers, your even customers, your suppliers भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके अच्छे relations हैं, आपके full time और part time directors भी हो सकते हैं, even आपके past employees भी हो सकते हैं भाई जो retired हो चुके हैं, लेकिन आपकी उनके साथ अच्छी rapport है, ठीक है, आपको लगता है कि वो आज भी आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, इन दैट केस वी अलॉट देम, एंड whenever वी आर अलॉटिंग द शेयर टू देम, usually we issue the shares at a lesser price, or you may issue at a nominal price. There is no like hard and fast rule कि आपने face value पे issue करना है कि उससे कम price पे issue करना है. That depends upon the wish of the board of directors, right? एक line आपको याद रखनी है. Which type of resolution you are supposed to pass for it? आपको AGM बुलानी पड़ेगी, annual general meeting बुलानी पड़ेगी, उसमें आपको एक special resolution pass करवाना पड़ेगा जिसमें majority of directors और board of directors की सहमति या consent होगा, तभी आप ये shares अपने pre-identified persons को issue कर सकते हैं, ठीक है जी? Meaning पता चल गया? Why these persons are preferred to allot the shares?
Why these persons are being preferred by the company to allot the shares? Because company is having a very limited time. Company minimum subscription का wait नहीं कर सकती. Company के पास पैसे की कमी है. Company को emergency में पैसे चाहिए तो company अपने कुछ गिने चुने बंदों को shares issue करती है. आगे चलते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. बच्चे हर बार मेरे से पूछते हैं मैम दोनों सेम ही तो हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. मीनिंग आप पढ़ो सेकंड वाले पॉइंट का. देखो आपको लगता है कि दोनों सेम है या कोई डिफरेंस लगता है? अमितोष यू आर कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली. इफ आई एम इग्नोरिंग यू दैट डजंट मीन यू विल डिस्टर्ब माई क्लास. I asked everyone to read the second point and you are still on the illustration page if I am not wrong. We are doing the theoretical concept and you are just on illustration page. It's page number 9.105. Koi farak laga? Chalo padhte hain. Private placement of shares means any offer of securities or invitation to subscribe securities to a selected group. Selected होना चाहिए था. Selected group of persons by a company rather other than by way of public offer. लोगों को फिर से नहीं issue किए जाते ये shares. हम लोग कुछ गिने चुने बंदों को देते हैं through issue of private placement offer letter. We just offer them. It depends upon them to accept that offer or not. Right? So this is what an offer we are making to them. We are inviting them to apply for our share. They may deny our offer. ठीक है, वो हमारी इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें एक लेटर भेजते हैं क्योंकि उनका परमानेंट एड्रेस हमारे पास है, उनकी मेल आईडी हमारे पास है. हम लोग उन्हें बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. स्टेटिंग इट डिफरेंटली, सिक्योरिटीज ऑफर टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. वहां पे बंदों की कैटेगरी बता दी, इन इन बंदों को दिए जा सकते हैं. यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं बताई, आपने पहले से एक लिस्ट बना के रखी हुई है कि हम पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे, हम इन गिने चुने बंदों को ऑफर करेंगे. या और सुनो, आपने 1 करोड़ की कैपिटल मार्केट में इश्यू करनी है. आपने बोला 80% में जनरल पब्लिक को इश्यू करूंगी, बाकी 20% में प्राइवेट प्लेसमेंट को. मतलब 80 लाख में जनरल पब्लिक को दूंगी और 20 लाख में प्राइवेट सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दूंगी. सो इट कैन बी इवन द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल ऑफर टू द पब्लिक एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन. सो मोर और लेस बोथ आर सेम. ठीक है, आपको सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल वर्ड ढूंढना है या टेक्निकल वर्ड ढूंढना है विच विल डिफरेंशिएट बोथ द टर्म्स. आपको अभी तक पढ़ के या सुन के कुछ पता चला क्या दोनों में डिफरेंस होगा? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू terms, private placement and preferential allotment. Pre-identified bhi to selected hi hai, hai na? But while defining it, they have categorized it. कि इन इन बंदों को आप दे सकते हो. यहाँ पे ऐसी कोई categorization नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी decide कर सकते हो, किसी भी बंदे को दे सकते हो. ठीक है, even private placement of share आप अपने किसी पुराने shareholder को भी दे सकते हो, वो भी आपकी लिस्ट में क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है. सो नीड नॉट टू एलैबोरेट, यू जस्ट हैव टू क्रैम दीज टू टर्म्स. राइट, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगी जैसे हम जनरल पब्लिक की करते हैं. वैसे तो इसका न्यूमेरिकल कोई आना नहीं है. इन केस वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में बोल भी देता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करी है और एप्लीकेशन मनी इतनी रिसीव करी है, तो आपने वही एंट्री करनी है जो हम लोगों ने पूरी चैप्टर में करी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन ही करना. सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम. अगली टर्म भी थोड़ी सी मैंने आपको बताई हुई है, ESOP. ESOP. फिर कई बच्चे मास्क का फायदा उठाते हुए नीचे मुंह करके बोले जा रहे हैं, पता नहीं उनके पार्टनर को वो सुन भी रहा है कि नहीं, बट देयर वॉइस इज कमिंग टू मी. ESOP, दिस इज पी, आई ऑलवेज कॉल इट ESOP, एम्प्लॉईज स्टॉक ऑप्शन प्लान. सो अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस प्लान, द कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स to its employees at a discounted price. So ये वो shares हैं जो हम अपनी company के अपने ही employees को देते हैं उनकी services का reward देने के लिए. That's why इस plan को हम sweat equity भी कहते हैं.
स्वेट मतलब उन्होंने अपना खून पसीना हमारे लिए बहाया. दे वर्कड हार्ड फॉर आर कंपनी. वी आर जस्ट गिविंग देम द रिवॉर्ड ऑफ देयर सर्विसेज एंड वी आर इश्यूइंग आर शेयर्स एट अ लेसर प्राइस टू देम. दिस इज व्हाट वी कॉल स्वेट इक्विटी शेयर्स. इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं. स्वेटिंग से लिया गया है वर्ड स्वेट. डन. कंडीशंस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि एमसीक्यू है तो पांच कंडीशंस. बॉक्स वाला मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी. दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर क्लास. ठीक है, जो पांच कंडीशंस है वो हम जरूर पढ़ेंगे. क्या हर कंपनी इसॉप लॉन्च कर सकती है? नहीं. इसॉप को लॉन्च करने के लिए, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए नीचे वाली पांच कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है. व्हाट आर दैट कंडीशंस? फर्स्ट, इसॉप के अंडर आप वही शेयर्स इशू करोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. कोई नई कैटेगरी लॉन्च नहीं करोगे. मींस ये वही शेयर्स होंगे जो आम जनता को भी इशू हो चुके हैं. उसी का कुछ पार्ट आप अपने एम्प्लॉइज को भी दे देते हैं. ठीक है. और एक बात, हर किसी एम्प्लॉय को इसॉप नहीं मिलता. कई बार कंपनी रूल बना देती है हर वो बंदा जिसको मेरी कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं वही इसॉप के लिए एलिजिबल, या हर वो बंदा जो मेरी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है वही एलिजिबल है. नए एम्प्लॉयज इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है. And one thing I must clear to you, this is stock option plan. We are giving them option. We are not making it mandatory for them. They may avail this option, they may reject this option. हमने अपने employees को एक क्या दे दी? Scheme बता दी कि आप चाहो तो आप हमारी company के employees के साथ साथ owner भी बन सकते हो. आप हमारी company के share खरीद लो और हम आपको कम price पे देने को तैयार. ठीक है. So it is not compulsory for them to apply for these shares. This option they may avail, they may reject. जैसे preferential allotment के लिए special resolution pass करना पड़ता है, उसी तरह से ESOP की scheme को launch करने के लिए company को special resolution pass करना पड़ता है. इस special resolution में आपको board of directors को बताना पड़ेगा आप कितने share ESOP में दे रहे हो, उन shares का market price कितना है, and class or classes of directors or employees. Will you tell me directors are the employees of the companies? No, directors are not employees. Who are they then? So under the scheme, directors are also being covered. Directors ko bhi ESOP ka benefit milta hai because directors do get salary for their services. Directors, they are not the owner. You know, company ki ownership and management both are separate. So directors are there to manage the company, bhai. They are not the owner. You should clear about it. They get salary. So directors also fall under the category of employees. So directors bhi is scheme ka benefit le sakte hain. To yahi likha, kaun se directors ko, kya part time directors ko aap ESOP doge, ke full time directors ko aap ESOP doge, kaun se employees ko aap ESOP ka benefit de rahe ho. Abhi maine bola kaun se employees, like whosoever have covered 5 years in my company, theek hai, whosoever are the permanent employees of my company, kuch is tarah se you decide. Then not less than 1 year has at the date of issue elapsed since the date on which the company has commenced the business. Kam se kam ek saal beet gaya ho company ko start hue. Matlab a brand new company can't launch ESOP. Your company has been started in 2021 1st April. Theek hai, abhi 3-4 mahine hi hue hain to aap ESOP launch nahi kar sakte. Yes, agar aapki company pichle saal start hui hai 1st April 20th ko, then 21 ko uska ek saal beet gaya. Now it's the right time to launch the ESOP. Done. So kam se kam ek saal ho chuka ho. This is also the condition from the commencement of the business. These shares are issued in accordance with the SEBI guidelines. SEBI ke kuch rules and regulation hai. Unhe follow karte hue aap ESOP ka plan kya karoge? Launch karoge. Theek hai. Uske baad maine aapko bataya that in our chapter SPR is there. Security Premium Reserve. Again and again I either debited or credited in the entry, है ना? And what was its full form? Security Premium Reserve. And we were using the word SPR again and again. When we were crediting it in the entry, SPR कौन सी entries में credit होता था? अच्छा, जब forfeit करते थे तब credit होता था. बोलो फिर due की entry में. चाहे due क्या हुआ है? एप्लीकेशन, चाहे अलॉटमेंट एंड इवन कॉल्स पे भी एसपीआर क्रेडिट होता है. ठीक है. आपको अभी तक क्या पता चला है एसपीआर की नेचर क्या है? इज इट योर इनकम, लॉस, गेन, प्रॉफिट? क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ कैपिटल गेन. याद रखना, कैपिटल गेन वो होता है या कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो कभी कभार होता है, विच आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर.
कभी कभार आप अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करोगे और कभी कभार ही आप उसे प्रॉफिट पे लॉन्च करोगे, जिसे बोलते हैं प्रीमियम पे लॉन्च करोगे, ठीक है। इफ इट इज अ कैपिटल गेन, इफ इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, कैन वी यूज इट फॉर सम पर्पसेस? यस, देयर आर 5 or 6 पर्पसेस व्हिच आर बीइंग मेंशन्ड इन आवर कंपनीज एक्ट 2013, फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पसेस ओनली आई कैन यूज इट, ठीक है। और हमारे अकाउंट्स का एक रूल है, कैपिटल प्रॉफिट्स कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड टू कवर द कैपिटल लॉसेस। तो देखते हैं किन किन पर्पस के लिए हम एसपीआर को यूज कर सकते हैं। हैव यू ओपन्ड दिस पेज? एसपीआर वाला पेज देखो, कौन सा पेज नंबर है देखो, जरा वहां पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का टॉपिक, जहां पे उसने हमें समझाया एट प्रीमियम, पहले एट पार था, क्या है पेज नंबर 9.24, यस डन। बॉक्स में 5 कारण, दिस बॉक्स वी लेफ्ट मिस्टेकनली, मैंने सीधा प्रैक्टिकल करवा दिए, थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस ब्लॉक। यस ही सेज, मैंने अभी बोला एक्सेप्ट द एंट्री ऑफ 4 फीचर इन ईच एंट्री एसपीआर वॉज बीइंग क्रेडिटेड, एम आई राइट? ये एक तरह का मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व, ठीक है। और रिजर्व में भी क्या है, कैपिटल प्रॉफिट टाइप्स है। He says it can be used to issue bonus shares. कहीं पे रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में बोनस शेयर्स मैंने डिस्कस किया था, इफ बोनस शेयर्स आर बीइंग इशूड विल इट इफेक्ट माई डेट इक्विटी रेशियो और नॉट, विल इट इफेक्ट माई करंट रेशियो और नॉट, करवाया होगा। Will the issue of bonus shares will increase my current ratio, decrease my current ratio, or will not have any effect on current ratio? Bonus shares are those shares which are being issued by the company to its existing shareholders free of cost. ये वो shares हैं जो company अपने पुराने shareholders को देती है, लेकिन बिना कुछ charge किए, free में। क्यों देगी भाई company अपने share अपने पुराने shareholders को free में? क्योंकि company को अपनी expectation से ज़्यादा profit होता है। कंपनी उस प्रॉफिट का बेनिफिट अपने शेयर होल्डर्स को भी देना चाहती है, पुराने शेयर होल्डर्स को। तब एंट्री क्या होगी जरा देखना, जब वैसे हम शेयर जब लॉन्च करते हैं एवरी टाइम वी रिसीव कैश और बैंक, ना बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, लेकिन जब बोनस शेयर्स इशू करते हैं तब एंट्री आती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, दैट इज द बोनस शेयर्स। आया कोई पैसा, किसको यूज किया, अपने प्रॉफिट को, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कंपनी के केस में पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता भाई, companies nowadays since 2013 they are preparing statement of profit and loss. So जितना आपके पास profit हुआ आप उस profit का कुछ हिस्सा use करते हैं और अपनी ही company के share लोगों को free में देते हैं, कौन से लोग, जो आपकी company के पुराने shareholders, ठीक है। So whenever the bonus shares are being issued आप SPR को use करोगे, board देखते रहो, जब आप SPR को use करोगे तब आप entry करोगे SPR account debited to share capital, purpose हो गया ना, फर्स्ट पर्पस फॉर विच द शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज। जब आपने अपनी ही कंपनी के शेयर लोगों को फ्री में देने हैं तो आप वो पैसा कहां से निकाल सकते हो, इस रिजर्व में से। प्रॉफिट में बाद में जाएंगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यू कैन यूज टू इशू द बोनस शेयर्स। अगर वाइवा में एग्जामिनर पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर्स, हाउ विल यू आंसर इट, दीज आर द शेयर्स विच आर बीइंग इशू टू आर existing shareholders free of cost, ठीक है, out of profit। लेकिन मैं कौन सा कारण कर रही हूं, किन कारणों के लिए हम SPR को use कर सकते हैं, so SPR can also be used। profit को बाद में देखेंगे, पहले SPR में से जितना पैसा cover होता है bonus shares के लिए आप उसे use कर लो, ठीक है जी। आगे चलते हैं, to write off preliminary expenses, what is the meaning of preliminary expenses? These are those expenses which are usually being incurred by the promoter of the company before start the company. ये वो खर्चे हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले promoters करते हैं, ठीक है। जब कंपनी स्टार्ट हो जाएगी तो preliminary expenses को write off करना होता है, because preliminary expenses are my fictitious asset. जितनी जल्दी हो सके इसे write off करना है, तो उसको write off करने के लिए भी आप SPR को use करोगे, then you will pass the entry SPR account debited to preliminary expenses. Second case is clear. क्वेश्चन आएगा कैन वी राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
from SPR, your answer will be yes. We can't use security premium reserve to write off preliminary expenses. True or false? False. We can't use SPR to write off preliminary expenses. False. Because we can use it to write it off. हम preliminary expenses को write off करने के लिए SPR को use करते हैं. Yes. उसके बाद कुछ और खर्चे हैं. Commission paid. Discount allowed on issue of securities or debenture. Securities का मतलब shares होता है. Shares आमतौर पे discount पे issue नहीं होते. आपने underwriters को commission pay करी है तो उसे write off करने के लिए हम SPR को use करेंगे. अगर आपने debentures discount पे issue करे हैं तो वो भी आपका एक तरह का loss है. उसे write off करने के लिए भी SPR को use करेंगे. Shares are never being issued at discount. Right? Done. तो तीसरा कारण मैंने क्या बताया? To write off commission paid or discount on issue of debentures. Then, ध्यान से सुनना अगला पॉइंट. इक्विटी के साथ कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू करती है. Am I right? Preference shares are always being redeemable after a fixed time period. 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है. इश्यू के टाइम पे ही मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोल दिया जब आपके शेयर्स को रिडीम करेंगे तो 110 की वापसी करेंगे. 100 के बदले में 110. मान लो एक कंपनी के मैंने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, मेरे को 11 लाख वापस मिलना क्योंकि 100 के बदले में 110 मिलना. ठीक है, इसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम. आई एम रिपीटिंग, व्हेन यू आर प्रॉमिसिंग विद योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू पे बैक मोर at the time of maturity of your redeemable preference shares, that preference shares we call are being redeemed on premium. 100 के बदले में 110 की वापसी होगी तो premium पे redemption है. जो premium है redemption का वो company के लिए एक तरह का loss है. 100 के बदले में 110 की वापसी हो रही है, 10 रुपए company का loss है. उस loss को cover करने के लिए भी SPR use हो सकता है. So SPR can be utilized to write off premium on redemption of preference shares. जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, ज्यादा प्राइस के ऊपर रिडीम करेंगे, जितना ज्यादा प्राइस उनको वापस कर रहे हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए भी हम एसपीआर यूज कर सकते हैं. आगे चलते हैं, एक नई टर्म हम सीखेंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स. बायबैक ऑफ ओन शेयर्स. एक केस सुनना. कंपनी को लग रहा है मेरे शेयर्स का प्राइस मार्केट में डाउन हो रहा है. ठीक है, the directors came to know that market mein hamare share ke prices down ho rahe hain. They just want to solve or resolve this situation. Hamare economics ka ek funda hai, kisi cheez ki agar market mein demand kam kar di jaye to price automatically badhna shuru ho jata. So directors decided to buy back its own share from the market through brokers. Company ke directors ne kya decide kiya, hum apne hi share market mein se nikalenge aur khud khareedenge. जब आप अपने ही शेयर मार्केट से खरीदते हो उसे बोलते हैं बायबैक ऑफ ओन शेयर्स. उन शेयर्स को खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? एसपीआर. यस, एंट्री बनेगी एसपीआर अकाउंट डेबिटेड टू. पहले अच्छा, जब आप अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदोगे एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक. तब शेयर कैपिटल आपकी इन्वेस्टमेंट है. जब आप लोगों को इश्यू करते हो तब आपकी लायबिलिटी है. अपने ही शेयर मार्केट से खरीदोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट है. तो वो जो कैश है आपका उसके लिए आप किसको यूज करोगे? एसपीआर को यूज करोगे. ठीक है, तो एसपीआर उस केस में आपका क्या होगा? डेबिट होगा. उसमें पड़ा हुआ पैसा आप क्या करोगे? निकालोगे. ठीक है, आई एम रिपीटिंग ऑल द फाइव पॉइंट्स. वन टू इशू बोनस शेयर्स, सेकेंड टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, देन टू राइट ऑफ commission paid or discount on issue of debentures, then to write off redemption on premium on redemption of preference shares, then we have to buy back. ठीक है, buy back के लिए आपको पैसा चाहिए होगा. आप रिजर्व में पड़ा पैसा क्या करोगे? यूज करोगे. डन. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस बुक फॉर दिस टर्म. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड यू ऑल विल बी ब्रिंगिंग योर बुक ऑफ रेशियो एनालिसिस. राइट, Thank you.